प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी इस दौरान अयोध्या में पूरे 2 घंटे बिताएंगे। भूमि पूजन से पहले मंदिर के गर्भगृह में 2000 फीट की गहराई में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे कामेश्वर चौपाल ने टाइम कैप्सूल के बारे में जानकारी दी। बीते कई दिनों से राम मंदिर और इसके गर्भगृह में दफनाए जाने वाले टाइम कैप्सूल के बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस टाइम कैप्सूल के बारे में जानकारी नहीं होगी। इस वीडियो स्टोरी में हम आपको टाइम कैप्सूल से जुड़ी तमाम जरूरी जानकारियां देने जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में 2000 फीट नीचे रखे जाने वाले टाइम कैप्सूल में मंदिर की स्थापना की तारीख, इसका पूरा इतिहास, संस्कृति और भौगोलिक स्थिति की जानकारी होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को राम मंदिर की ऐतिहासिकता की जानकारी रहे। साथ ही इस कैप्सूल के होने से राम मंदिर और इसके निर्माण से जुड़े किसी भी विवाद से बचा जा सकेगा। अब सवाल यह है कि ये टाइम कैप्सूल होता या दिखता कैसा है। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर के जैसा होता है। इसे अलग अलग तरह की धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि सैकड़ों फीट की गहराई में होने के बावजूद किसी भी मौसम में ये खराब नहीं हो सकता। हजारों साल बाद भी टाइम कैप्सूल वैसे का वैसा ही रहता है। किसी भी परिस्थिति में ये सड़ता गलता नहीं है। टाइम कैप्सूल के इतिहास की बात करें तो अब तक का सबसे पुराना टाइम कैप्सूल 400 साल पुराना है। ये 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बारगोस में मिला था। ये टाइम कैप्सूल यीशु मसीह की मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज मिला जिसमें 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और संस्कृति की सूचना थी। भारत में भी टाइम कैप्सूल का एक रोचक इतिहास रहा है। ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ा है। इंदिरा गांधी ने इस कैप्सूल को लाल किले के प्रांगण में जमीन के नीचे रखा था। उस समय कहा गया कि इसमें भारत की आजादी के बाद 25 साल का इतिहास, संस्कृति और राजनीति का उल्लेख किया गया है। हालांकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसमें इंदिरा गांधी ने अपने खानदान का महिमा मंडन किया है। इस कैप्सूल को इंदिरा गांधी ने कालपात्र नाम दिया था। इस कैप्सूल में दर्ज की जाने वाली अतीत की अहम घटनाओं को दर्ज करने का काम इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को सौंपा गया है। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर एस कृष्णा स्वामी को पांडुलिपि तैयार करने का काम सौंपा गया था। 15 अगस्त 1973 को इसे इंदिरा गांधी ने लाल किले के परिसर में अपने हाथों से दफनाया था। जनता पार्टी ने इस कालपात्र पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सत्ता में आने पर इस टाइम कैप्सूल को निकाला जाएगा और जनता को बताया जाएगा कि इसमें क्या लिखा है। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। सरकार गठन के कुछ ही दिन बाद इस कैप्सूल को निकाला गया, लेकिन इस बात का खुलासा कभी नहीं किया गया कि इसमें क्या है। 2013 में भी RTI के जरिए इस कैप्सूल के विषय में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन PMO ने इसके बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। टाइम कैप्सूल से जुड़ा एक वाक्या PM मोदी को लेकर भी है, लेकिन वाक्या तब का है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बात साल 2011 की है। तब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि गांधीनगर में महात्मा गांधी के नीचे टाइम कैप्सूल रखा गया है जिसमें मोदी ने अपनी उपलब्धि बताई है। हालांकि कभी ये स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या वाकई में गुजरात के तब के CM ने ऐसा किया था या नहीं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।